हेलो क्लास नाइन स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद सर। एंड आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मास नंबर वर्सेस एटॉमिक मास, यानी हिंदी में समझें तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार और एटॉमिक मास में हम डिफरेंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी परमाणु भार। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ये लिखा हुआ है और परमाणु भार ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास। क्या होता है समझ लीजिए, कई लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, फिर हम इसको आगे देखेंगे। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द वेट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर को हम मानते हैं जब हम न्यूक्लियस जो हमारा एटम के अंदर होता है उसके अंदर के जब वेट को मेजर करते हैं तो हम उसको मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर इज द वेट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म। एटॉमिक मास वो होता है, एक एवरेज वेट होता है जिससे हमारा एलिमेंट फॉर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स होता है सभी का सभी एटम से बना हुआ होता है। एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं सारे एटम्स का मिला के एक एवरेज वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। मास नंबर इज रिटन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड, ध्यान रखना है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंटल एक्सप्रेशन। एटॉमिक मास इज नॉट सिंपलाइज्ड एज सच। एटॉमिक मास को हम सिंपलाइज नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा होगा 6C12 ऐसे लिखते हैं। तो ये मास नंबर हो गया हमारा, ये मास नंबर है, ठीक है ना। मास नंबर डज नॉट टेक द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इंटू कंसिडरेशन। मास नंबर डज नॉट टेक द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इंटू कंसिडरेशन एज इट रिलेट्स टू द वेट ऑफ ईच एटम सेपरेटली। मास नंबर से हम किसी भी आइसोटोप के एग्जिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर सकते, एज इट रिलेट्स टू द वेट ऑफ द ईच एटम सेपरेटली, और हमारा जो ईच एटम होता है उसका अलग अलग हमारा मास नंबर होता है। एटॉमिक मास रिलेट्स टू द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंटल फॉर्म एंड देयरफॉर इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस। एटॉमिक मास रिलेट करता है एवरेज वेट ऑफ एलिमेंट को, एवरेज वेट जो एलिमेंट का होता है फॉर्म करता है, एंड देयरफॉर इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन लेता है आइसोटोप्स का और उसकी मात्रा का कि कितनी मात्रा रहती है। जैसे आप जानते हैं Cl के दो आइसोटोप होते हैं, एक हमारा एक होता है 17Cl35 होता है और एक 17Cl क्या होता है 37 होता है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखिए आगे हमारा क्या दिया हुआ है। द मास नंबर इज अ सिंप्लीफाइड नंबर यूजली विदाउट